हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राहुल सर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एडियम्स यानी कि मुहावरों की। कुछ ऐसे मुहावरे जो हमारे रोजमर्रा यानी कि डेली रूटीन में काम आते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मुहावरा होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे को इंग्लिश में कहा जाता है माइट इज राइट, यानी कि जो बलवान होगा, जो पावरफुल होगा, उसकी ही सारी संपदा होगी। इसी मुहावरे के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। नेक्स्ट मुहावरा है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, यानी कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर किसी का स्वभाव जैसा है वो अंत तक को वैसा ही रहता है, तो स्वभाव बदलना, किसी का नेचर बदलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा है दाल में कुछ काला है। इसका अर्थ इंग्लिश में होता है देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ कहा जाता है सीआईडी के अंदर, दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं देयर इज समथिंग फिशी एट द बॉटम। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डिग योर ओन ग्रेव, अपनी, इसको हम एक और मुहावरा इसके लिए यूज होता है अपनी कब्र खुद खोदना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ जो है आंख का तारा होना, यानी कि किसी का बहुत ही प्रिय होना, बहुत ही खास होना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एप्पल ऑफ आई। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। इसका होता है आपके मुंह में दही जम गया है क्या, या फिर इसको हम हिंदी के अंदर एक और कहते हैं कि आपको सांप सूंघ गया है क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैज द कैट गॉट योर टंग। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट मुहावरा है लोहा लोहे को काटता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमंड कट्स डायमंड। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, एक तीर दो निशान, यानी कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।